लेट स्टार्ट पार्ट थ्री ऑफ रियल नंबर। इस पार्ट में हम स्टूडेंट कवर करने वाले सम बेस्ड ऑन प्रूविंग गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। जो नंबर आपको दिया हुआ है वो इरेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना है। ओके, और भी कई सारी चीज देखिए। सबसे पहले हम एक पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4√2 इज अ इरेशनल नंबर। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट जो भी स्टेटमेंट दिया उसका हम ऑपोजिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑपोजिट। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है 4√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि 4√2 क्या आपका एक रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो हमने अज्यूम किया कि 4√2 अपना एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट, तो देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर, दो को प्राइम इंटीजर एग्जिस्ट करते पी एंड क्यू, जहाँ पे क्यू आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा। ओके, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 4√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, 4√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो स्टूडेंट अभी राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 है न्यूमरेटर में, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो कहाँ चलाएगा, डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू पी अपॉन 4√क्यू, पी अपॉन 4क्यू, पी अपॉन 4क्यू। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ठीक है, स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है, पी अपॉन क्यू आपका रैशनल नंबर है, तो पी अपॉन 4क्यू भी आपका रैशनल नंबर ही हुआ, करेक्ट। अभी जो स्टेटमेंट हमने लिखा है देयरफॉर में, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर वाला पार्ट है। √2 क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं स्टेटमेंट में कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। क्या एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी। देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट 4√2 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग, हेंस 4√2 इज अ इरेशनल नंबर, करेक्ट। इस तरीके से हम 4√2 को एक इरेशनल नंबर डिक्लेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बैक टू बैक हम ऐसे दो सम और करने वाले हैं। अगर ये आपको ठीक से समझ में नहीं आया या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए या स्टेप्स दिमाग में नहीं बैठे तो और दो सम देखते हैं, उससे आपके दिमाग में सम और स्टेप दोनों भी बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रूफ डेट 3+√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला इनडायरेक्ट मेथड से प्रूफ करना है, तो हम अज्यूम करेंगे कि 3+√5 क्या आपका एक रैशनल नंबर है, करेक्ट। अभी सिंस देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर पी एंड क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि 3+√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 3 प्लस में, करेक्ट ना, इसे हम राइट हैंड साइड में जब भेजेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। ऐसा क्यों कर रहे स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि 3 आपका एक रैशनल नंबर है और √5 क्या आपका एक इरेशनल नंबर है, तो जो रैशनल नंबर था उसको हमने रैशनल नंबर के साथ में भेज दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचा, सिर्फ इरेशनल नंबर, राइट हैंड साइड क्या आपका एक रैशनल नंबर, करेक्ट। आगे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर पी अपॉन क्यू माइनस 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, करेक्ट। अब ये स्टेटमेंट को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका इरेशनल और राइट हैंड साइड क्या आपका रैशनल नंबर, करेक्ट। इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है स्टूडेंट। कैसा है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है, बरोबर ना। देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट 3+√5 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग। अब क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, इसलिए 3+√5 क्या हो गया आपका एक इरेशनल नंबर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, शो डेट 5+√7 इज एन इरेशनल नंबर, 5+√7 इज एन इरेशनल नंबर, करेक्ट। तो सबसे पहला इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि 5+√7 क्या आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है, दे एग्जिट को प्राइम इंटीजर, ठीक है, पी एंड क्यू, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ऐसे केस में स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि 5+√7 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में 5 आपका रैशनल नंबर है, √7 आपका एक इरेशनल नंबर है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हम 5 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, और ये क्या हो जाएगा, √7 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 5। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट को देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका √7, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बरोबर ना। कोई भी नंबर रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि वो एक इरेशनल नंबर है, करेक्ट। और राइट हैंड साइड में पी अपॉन क्यू आपका रैशनल नंबर था, तो अकॉर्डिंगली पी अपॉन क्यू माइनस 5 भी आपका एक रैशनल नंबर ही होगा, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट को देख के हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। एंड वी नो स्टूडेंट, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों भी क्या है, अलग नंबर है, करेक्ट, एक जैसे नंबर नहीं है।
तो हमारा जो अजम्स, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हुआ। कैसा हुआ? एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या स्टूडेंट? रॉन्ग, ठीक है। हमारा जो अजम्पशन था कि 5 + √7 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग साबित होगा। और अकॉर्डिंगली, ठीक है, 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे? करने के पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे हम 1/2 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर बाद में √2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करके हम लोग डॉट्स पॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हमारे जो स्केल होगा स्टूडेंट वो होगा 2 सेंटीमीटर। हर 2 सेंटीमीटर के बाद में हम एक डॉट प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हम इसे नंबर दे देंगे। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमें? 1/2 बताना है। अभी क्योंकि डिनोमीटर में 2 है, क्योंकि डिनोमीटर में 2 है, सारे नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा 1/2 रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे, करेक्ट। तो स्टूडेंट अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको 1/2 यानी कि हाफ नंबर लाइन पे मिल गया है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है 3। अगर आपको 3 बताना है तो इसे नंबर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 और 2 कट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये नंबर 1 हो जाएगा, करेक्ट। 3/2 डिवाइड तो हो नहीं पाएगा। 4/2 क्या हो जाएगा आपका? ये 2, करेक्ट। 5/2 अगेन डिवाइड नहीं हो पाएगा। 6/2 क्या हो जाएगा आपका? 3। ओके, तो इस तरीके से हमें 3 भी अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसी नंबर लाइन पे हम 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब बारी है √2 की स्टूडेंट, ठीक है। √2 किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। √2 इज नॉट सीन ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे √2 दिखाई नहीं देगा आपको, करेक्ट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। समझेंगे √2 हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। वर्टेक्स ले लेंगे ओ ए और बी। हम बेस को 1 यूनिट कंसिडर करेंगे और हाइट को भी 1 यूनिट कंसिडर करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हम कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी कि हाइट स्क्वायर, करेक्ट। देयरफॉर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देयरफॉर 1 + 1, देयरफॉर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट तो मुझे ओबी का वैल्यू मिल जाएगा कितना? √2। ओके, यानी कि मुझे बेस में 1 यूनिट चाहिए और हाइट भी 1 यूनिट चाहिए। अगर बेस और हाइट 1 1 यूनिट होगा तो जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा? √2, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमने ड्रॉ की थी वही, करेक्ट। यहाँ पे हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया और उसको ओ ए नाम दे दिया, और पॉइंट ए पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दे दिया बी, उसका भी 1 यूनिट हमने मेजरमेंट लिया, करेक्ट। अब जब मैं ओ ए को ज्वाइन करूंगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि ओ बी का वैल्यू कितना मिलेगा? √2। कितना मिलेगा? √2। अभी √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राउंडर लेंगे, ओ बी डिस्टेंस मेजर करेंगे राउंडर में, करेक्ट, और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क को हम कंटिन्यू करेंगे, ये जो राउंडर पे डिस्टेंस है वो क्या है? √2। तो ये आर्क जो लाइन को कट करेगी, जिस पॉइंट पे लाइन को कट करेगी वो क्या होगा आपका? √2। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट √2, आपको नंबर लाइन पे √2 मिल गया, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से आप दूसरे नंबर्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। √5 बताना, आपको क्या बताना नंबर लाइन पे? √5। तो अगेन स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से √5 बता सकते हैं, यानी कि आपको हाइपोटेनियस, आपको ध्यान रखना इसमें जो हाइपोटेनियस है वो आपको √5 चाहिए। अच्छा, हाइपोटेनियस आपको √5 होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के टाइम पे हम हाइपोटेनियस को √5 लेंगे। जो आपका हाइट है बाय डिफॉल्ट हर सम में 1 यूनिट होगा, कितना होगा? 1 यूनिट। और हम हर टाइम बेस फाइंड आउट करेंगे, जो भी बेस होएगा वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले। लेट्स सी, देखते हैं √5 हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम हाइपोटेनियस को क्या लेंगे? √5। हाइट को लेंगे 1, हर सम में आपको ऐसे करना, हाइट बाय डिफॉल्ट आपका 1 होगा और हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका √5, तो √5 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 5। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, प्लस वन चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस हो जाएगा, फाइव माइनस वन इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू फोर, करेक्ट। अभी जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आपको बेस का वैल्यू मिल जाएगा टू, क्या मिल जाएगा आपको टू, यानी कि टू यूनिट की डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और अकॉर्डिंगली आपको वन सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वहां से आपको हाइपोटेन्यूस बना के रूट फाइव प्लॉट करना है। और इसी तरीके से अगर रूट टेन भी बताना है तो हाइपोटेन्यूस को आप रूट टेन लोगे, हाइट को लोगे वन यूनिट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप बेस को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, बेस को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा टेन माइनस वन इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू नाइन, ठीक है, तो बेस आपका आ गया थ्री, स्क्वायर रूट लेने पे कितना आएगा आपको थ्री, ठीक है, तो रूट टेन ड्रॉ करने के लिए आपको थ्री यूनिट पे करेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वन सेंटीमीटर डिस्टेंस मार्क करना है, ओ ए को ज्वाइन करना है, ठीक है, ओ बी सी डी जो भी आपका होगा उसे ज्वाइन करना है और आपको आपका क्या बोलते हैं नंबर लाइन पे आग ड्रॉ करने पे नंबर लाइन पे आपको रूट टेन भी मिल जाएगा, जिस तरीके से रूट टू मिला उसी तरीके से रूट फाइव और रूट टेन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। आगे लिखा है टू प्लॉट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन कंसिडर हाइपोटेन्यूस हमेशा इरेशनल नंबर, जो भी आपको वैल्यू है रूट का वो आपको हाइपोटेन्यूस को उसे वही कंसिडर करना है, हाइट बाई डिफॉल्ट ऑफ वन यूनिट लगे और बेस हर टाइम आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट करोगे, ओके। तो लेट्स सी किस तरीके से हम रूट फाइव और रूट टेन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे हम यूनिट लेंगे थ्री सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट, हर थ्री सेंटीमीटर की दूरी पर मैं एक पॉइंट को प्लॉट करूंगा, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड सो ऑन, करेक्ट। अभी मैं नंबरिंग लूंगा, सबसे पहले मैं ले लूंगा जीरो वन टू थ्री, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, रूट फाइव ड्रॉ करना है। जस्ट पिछले समय हमने देखा था कि जब भी हमें रूट फाइव ड्रॉ करना रहेगा तो हमारा जो बेस है वो कितना आना चाहिए टू, बेस कितना आना चाहिए टू, कैलकुलेशन आपके सामने, ठीक है। अगर आपको रूट फाइव ड्रॉ करना है तो आपका बेस टू होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस को आप इरेशनल नंबर ले लोगे, बेस आप फाइंड आउट करोगे, हाइट बाई डिफॉल्ट आपका वन होगा, बेस मिल जाएगा आपको टू, तो बेस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में आप राउंडर से वन यूनिट का डिस्टेंस मेजर करोगे, ठीक है, वन यूनिट का डिस्टेंस मेजर किया वो आप परपेंडिकुलर पे आर्क ड्रॉ करोगे, तो जहाँ पे आर्क कट करेगा परपेंडिकुलर का वो आपका वन यूनिट हो गया, करेक्ट। अब आपका बेस हो गया टू, परपेंडिकुलर हाइट हो गया वन यूनिट, ठीक है, अभी आप ओ को ज्वाइन करोगे, ओ ए और बी मैंने नाम दे दिया, ओ बी को क्या करोगे आप ज्वाइन करोगे, ओ बी को ज्वाइन करने पे ओ बी जो है वो कितना आपका रूट फाइव, राउंडर पे रूट फाइव लोगे और आर्क ड्रॉ करोगे, कहाँ तक ड्रॉ करोगे, लाइन को टच हो वहां तक ड्रॉ करोगे, बरोबर ना। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे रूट फाइव मिल जाएगा, ओके, रूट फाइव मिल गया आपको नंबर लाइन पे। अब अगली बार ये रूट टेन की, रूट टेन के लिए फाइंड करना है तो रूट हाइपोटेन्यूस को हम क्या लेंगे रूट टेन, हाइट कितना लेंगे हम लोग वन यूनिट, अकॉर्डिंगली हमने ये भी पहले देख लिया था, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके हम बेस फाइंड आउट करेंगे, बेस कितना है आपका थ्री, बेस कितना आया थ्री, तो थ्री यूनिट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, अब वन यूनिट का डिस्टेंस लेंगे, वन यूनिट यानी कि थ्री सेंटीमीटर का, वन यूनिट का डिस्टेंस लेंगे राउंडर पे और परपेंडिकुलर पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर पे आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसे नाम दे दोगे ओ सी डी, हमने क्या नाम दे दिया ओ सी डी, अकॉर्डिंगली आप ओ डी को ज्वाइन कर दोगे स्केल से, ओ डी ज्वाइंट हो गया, ये ओ डी क्या आपका ओ डी रूट टेन है, कुछ नहीं रूट टेन है, करेक्ट। तो राउंडर पे आप ओ डी को मेजर कर दोगे, मिल गया आपको रूट टेन। अब आप इसको आर्क ड्रॉ करोगे, आर्क कहाँ तक ड्रॉ करोगे, लाइन को इंटरसेक्ट हो वहां तक, जब ये आर्क लाइन को इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका रूट टेन होगा, कितना होगा रूट टेन, ओके फाइन। नाउ मूविंग अहेड, रूट फाइव और रूट टेन हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखते हैं रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, कोई भी इरेशनल नंबर अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला ध्यान दीजिए वन है तो वन को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट वन लिख सकते हैं, बिकॉज रूट वन इज नथिंग बट वन, करेक्ट ना, ओके। टू को रूट फोर लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो भी नंबर है उसको स्क्वायर करके आपको उसको रूट के अंदर डाल देना है, ठीक है। टू को हमने क्या लिख दिया, टू था आपका, टू को हमने क्या लिख दिया, टू का स्क्वायर किया उसको रूट के अंदर डाल दिया, तो ये हो गया रूट फोर। थ्री को क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली, थ्री को हम लोग थ्री का स्क्वायर करेंगे, थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन, और नाइन को भी हम रूट के अंदर डाल देंगे, करेक्ट।
फोर, फोर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर का स्क्वायर करके इसको रूट में डाल देंगे, फोर का स्क्वायर 16, यानी कि ये हो गया आपका रूट 16, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे आप बता सकते हो, ठीक है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है स्टूडेंट, इसके बीच में जितने भी नंबर है वो जो कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इन बिटवीन लाई करेगी, रूट वन और रूट फोर के बीच में रूट टू रूट थ्री लाई करेगा, ठीक है। रूट फोर और रूट नाइन के बीच में रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन रूट एट लाई करेंगे, ठीक है। और रूट नाइन और रूट सिक्सटीन के बीच में बाकी सारे रूट्स लाई करेंगे, ओके फाइन। तो जो भी आपको रूट बताना आप इजीली बता सकते हो, फिर अकॉर्डिंगली आपको आइडिया आ जाएगा कि रूट कहाँ पे लाई करेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका राइटिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, दो नंबर्स दिए हुए आपको, उन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर्स लिखने, उन दोनों नंबर्स के बीच में क्या लिखना है आपको, एक रैशनल नंबर्स लिखने है। अब पहला नंबर है आपका 5.2 और दूसरा नंबर है आपका 5.3, करेक्ट। अगर मैं ऐसा नंबर्स देखूं 5.2 के बाद में अगला नंबर ही कौन सा था, 5.3, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बिटवीन थ्री नंबर्स लिखने में एक भी नंबर नहीं लिख पाऊंगा, करेक्ट ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5.2 को हम 5.20 करके लिख सकते हैं और 5.3 को हम 5.30 करके लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद में अगर लास्ट डिजिट स्टूडेंट आप जीरो ऐड कर देते हो तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट लास्ट नंबर पॉइंट के बाद में लास्ट नंबर में जीरो ऐड कर सकते हो, उससे नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट ऐसा करके आप दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो। अभी मैंने 5.20 5.30 ले लिया, बरोबर, इनके बीच में कितने सारे नंबर आ सकते हैं, 5.21 5.22 5.23 5.24 एंड सो ऑन 5.29 5.30। तो आपको कोई भी तीन नंबर लिखने, अब आप बड़े आसानी से कोई भी तीन नंबर लिख दोगे। ये एक्सट्रीम नंबर आपके 5.20 से लेके 5.30, इन दोनों नंबर के बीच में कई सारे नंबर लाए करते हैं, करेक्ट। तो हम कोई भी तीन नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमने लिखा यहाँ पे तीन नंबर 5.21 5.22 और 5.23, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, -4.5 एंड -4.6। अगेन यहाँ पे अगर मैं दो नंबर देखूँ तो एक भी नंबर मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद में हमने जैसे मैंने कहा पॉइंट के बाद में अगर आप एडिशनली जीरो लास्ट में जीरो लिख देते हो उससे नंबर पे कोई इफेक्ट गिरने वाला नहीं है, वो नंबर उतना ही रहेगा। तो -4.5 -4.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4.50 एंड -4.60, करेक्ट। तो -4.60 सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर -4.50 नेगेटिव में स्टूडेंट उल्टा होता है, ध्यान रखना है, जितना बड़ा नंबर नेगेटिव उतना वो छोटा होता है, ठीक है। इसके बीच में कई सारे नंबर लाए कर सकते हैं, करेक्ट। हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे 4.59 -4.58 -4.57 एंड सो ऑन, ठीक है। कब तक, -4.50 तक हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट ना, 50 तो लिखा हुआ है, करेक्ट। तो कोई भी तीन नंबर हम इन बिटवीन लिख सकते हैं। तो ये हमारे तीन इरेशनल नंबर -4.5 एंड -4.6 के बीच में -4.59 -4.58 -4.57 ये तीन नंबर हमने यहाँ पे नोट किए। इसके अलावा और एड ऑन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो तीन ही पूछे थे तो हम तीन ही नंबर यहाँ पे बता रहे हैं, ओके। नाउ मूविंग अहेड, प्रैक्टिस एट 2.2, राइट एनी थ्री रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर गिवन बिलो, सेम क्वेश्चन, 0.3 एंड -0.5 इन दोनों के बीच में लिखना है। अगेन पॉइंट के बाद में, अभी आप पॉइंट के बाद में जीरो लेने का सवाल नहीं उठता क्योंकि एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, स्टूडेंट बहुत सारे नंबर लाए करते हैं। अभी 0.3 और -0.50 में छोटा नंबर कौन सा है, करेक्ट, नेगेटिव वाला, कौन सा, नेगेटिव वाला, -0.5 इज अ स्मॉलर नंबर। तो -0.5 और 0.3 के बीच में कई सारे नंबर लाए करते हैं, जैसे कि -0.4 -0.3 -0.2, करेक्ट ना, एंड सो ऑन, -0.10 0.1 0.2 एंड 0.3 जो आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो इतने सारे नंबर -0.5 और 0.3 के बीच में लाए कर रहे हैं। आपको कोई भी तीन नंबर लिखने बोला है तो आप कोई भी तीन नंबर बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ओके। द थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 0.3 एंड -0.5 आर -0.4 -0.3 एंड 0.1। यू कैन राइट एनी ऑफ द नंबर स्टूडेंट, कोई रूल नहीं है, इन सारे नंबर में से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है, करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट -2.3 एंड -2.33। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक जीरो, एक में पॉइंट के बाद दो डिजिट है और एक में पॉइंट के बाद
सिंगल डिजिट है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक डिजिट दोनों में दो दो डिजिट कर देते हैं, यानी कि माइनस 2.3 को माइनस 2.30 लिख देता हूँ मैं, और दूसरे को माइनस 2.33 रहने देता हूँ, तो भी मैं बीच में तीन नंबर नोट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा सिंगल जीरो से काम चलने वाला नहीं है। फर्स्ट डिजिट को माइनस 2.3 को मुझे 20 ऐड ऑन करना पड़ेगा, एंड माइनस 2.33 को मुझे एक और जीरो ऐड ऑन करना पड़ेगा। दोनों साइड में जो नंबर्स है वो इक्वल होने चाहिए पॉइंट के बाद में, करेक्ट ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, ये 3320 है, तो यहाँ पे एक और जीरो डालूंगा तो इक्वल हो जाएगी। बट इससे आपका काम होगा क्या? इससे आपका काम नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि 30 से लेके 33 के आगे मैं मूव करता हूँ दो डिजिट ही आएगी, बरूबर ना, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एक और जीरो एड ऑन कर देंगे, इसको हम लिख देंगे माइनस 2.300 और इसको हम लिख देंगे माइनस 2.330, ओके, माइनस 2.330। अब इन दोनों नंबर के बीच में कई सारे नंबर लाइक कर रहे हैं, करेक्ट। तो सबसे पहला मैं एक्सट्रीम नंबर लिख देता हूँ, ये सबसे छोटा नंबर है, छोटे नंबर को हम लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और बड़े नंबर को लिख देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बीच में कई सारे नंबर्स लाइक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि माइनस 2.329 आगे आएगा आपका, माइनस 2.328, माइनस 2.327, सो ऑन, ऐसे आते रहेंगे कई सारे नंबर, माइनस 2.301 और फिर लास्ट में माइनस 2.300, करेक्ट। तो स्टूडेंट आप कोई भी तीन नंबर या इसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है थ्री रैशनल नंबर बिटवीन माइनस 2.3 एंड माइनस 2.33 आर माइनस 2.329, ओके, नेक्स्ट माइनस 2.328 एंड माइनस 2.327, ओके। नाउ नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू सर्ट्स स्टेटिंग द ऑर्डर ऑफ द गिवन सर्ट्स। सर्ट्स क्या होता है स्टूडेंट समझते हैं और ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, सर्ट्स क्या होता है आपको समझेगा। सबसे पहला सर्ट्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सर्ट्स क्या है, समथिंग अंडर रेडिकल साइन, समथिंग अंडर रेडिकल साइन। अभी रेडिकल क्या होता है, करेक्ट। तो रेडिकल स्टूडेंट ये जो रूट का साइन दिख रहा है आपको, इस रूट की साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। और रूट के ऊपर जो छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ नंबर्स, छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए, वो क्या आपका, वो आपका ऑर्डर है स्टूडेंट। क्या है, ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, रूट की साइन, अंदर एक नंबर है जिसको हमने ए दे दिया, और जो पावर है रूट का वो क्या आपका एन। रूट की साइन को हम कहेंगे रेडिकल साइन, ए होगा आपका रेडिकेंट और एन होगा आपका ऑर्डर। तो रूट ए इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्ट। अभी जो रूट ए है, एंथ रूट ए है, वो सर्ट होगा कब, कंडीशन है, तीन कंडीशन है स्टूडेंट। आपका जो ऑर्डर है एन वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। सेकेंड जो कि एग्जाम्पल है 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वन से बड़ा होना चाहिए, बट एन जो है वो वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ए रेडिकेंट, जो अंदर का लेटर है रूट के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर जो लेटर है नंबर से, सॉरी, उसको हम क्या कहेंगे, वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। द रेडिकेंट ए शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड लास्टली द होल नंबर, ठीक है, जो पूरा नंबर है, ठीक है, एन रूट ए इट शुड बी एन इरेशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए आपका, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, ओके, तब जाके जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो आपका सर्ट्स कहलाएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो स्टूडेंट तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होने पे हम बोल सकते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है वो आपका वो सर्ट्स है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.3, सबसे पहले आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स गिवन बिलो। कुछ सर्ट्स आपको पहले से दिए हुए, आपको उसका सिर्फ ऑर्डर बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्या, क्यूब रूट ऑफ 7। तो ऑर्डर क्या स्टूडेंट यहाँ पे, 3, करेक्ट। आगे आपको दिया फिफ्थ रूट ऑफ 12, ठीक है, फिफ्थ स्क्वायर रूट ऑफ 12, कुछ भी नहीं दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे रेडिकल साइन के ऊपर। तो यानी कि ऑर्डर कितना है आपका, 2, तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो ऑर्डर कितना हुआ स्टूडेंट यहाँ पे आपका, 2, करेक्ट। इस रेडिकल साइन के ऊपर जो वैल्यू होगा उसे हम ऑर्डर करेंगे, बाजू में नहीं स्टूडेंट, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ रूट ऑफ 100, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हुआ आपका, 4। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 39, तो ऑर्डर हुआ आपका 2। फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ 18, तो ऑर्डर हुआ आपका 3, ओके। तो ये हुआ आपका पहला सम कंप्लीट, ठीक है। आपको खाली यहाँ पे ऑर्डर लिखना था, ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे सर्ट्स का, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, स्टेट वेदर द गिवन नंबर इज अ सर्ट्स ऑर नॉट। जो नंबर दिया हुआ सर्ट्स है कि नहीं आपको बताना है। सबसे पहला नंबर क्यूब रूट ऑफ 51, ओके। तो तीन कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पे, ओके। तो पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे,
ऑर्डर एन शुड बी अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, क्या ऑर्डर जो है वो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन है? यस वो है, यहाँ पे थ्री है, करेक्ट। तो पहला रीजन होगा हमारा द ऑर्डर थ्री इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। सेकेंड रेडिकेंट साइन यानी कि अंदर का नंबर एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। सेकेंड द रेडिकेंट 51 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। थर्ड कंडीशन जो क्यूब रूट ऑफ 51 है वो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है स्टूडेंट, क्या जो 51 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका क्यूब निकालने पे आपको 51 आए, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब निकालने पे क्या है आपको 51 आए। तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। क्यूब निकालने पे अगर 51 नंबर आता तो ये रैशनल नंबर हो जाता, बट क्योंकि क्यूब निकालने पे ऑर्डर 3 है ना, तो क्यूब निकालने पे 51 नहीं आ रहा। किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल दो, ठीक है, जैसे 2 का क्यूब क्या होगा 8, करेक्ट, 3 का क्यूब क्या होगा 27। ऐसे किसी भी नंबर का क्यूब निकालने पे अगर आपको ये नंबर मिलता, परफेक्ट क्यूब होता है ये नंबर, तो ये आपका रैशनल नंबर होता, बट ये क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसीलिए जो क्यूब रूट ऑफ 51 है वो आपका सर्ड्स है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, फोर्थ रूट ऑफ 16, फोर्थ रूट ऑफ 16। ओके तो तीन कंडीशन अगेन, ऑर्डर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, द ऑर्डर 4 है, बराबर, ऑर्डर 4 इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। सेकेंड कंडीशन द रेडिकेंट 16 इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट द होल वैल्यू, फोर्थ रूट ऑफ 16 इज अ, फोर्थ रूट ऑफ 16 फाइंड आउट करके देखते स्टूडेंट, 2 × 2 × 2 × 2, करेक्ट। तो 2 का जब आप फोर्थ पावर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 16, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब मैं 2 का 4 टाइम जब पावर रेज करूंगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो मुझे वैल्यू मिलेगा 16। ओके तो स्टूडेंट आप देख सकते हो 2 का फोर्थ पावर जो है, 2 का अगर फोर्थ पावर निकालोगे तो वैल्यू आपका 16 आ रहा है, यानी कि ये क्या आपका एक इरेशनल नंबर नहीं, ये आपका एक रैशनल नंबर है, करेक्ट ना। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ सर्ड्स। तो थर्ड कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसीलिए आपका सर्ड्स नहीं है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड सम, फिफ्थ रूट ऑफ 81, ठीक है। पहला कंडीशन द ऑर्डर 5 इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ओके द रेडिकेंट 81, द रेडिकेंट 81 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। थर्ड कंडीशन फिफ्थ रूट द पावर ऑफ 81 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है स्टूडेंट जिसका फिफ्थ पावर आप निकालोगे तो आपको 81 मिलेगा, ठीक है। 2 raised to 5, 3 raised to 5, किसी भी नंबर का अगर आप फिफ्थ पावर निकालोगे तो आपको 81 वैल्यू मिलने वाला नहीं, आप चाहिए तो फैक्टर निकाल के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक इरेशनल नंबर है, अकॉर्डिंगली फिफ्थ रूट ऑफ 81 क्या हुआ आपका एक सर्च हुआ। तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पे फिफ्थ रूट 81 कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका सर्ड्स, क्या हो जाएगा सर्ड्स। ओके नाउ नेक्स्ट सम, स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256। पहला यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कितना होगा आपका 2, द ऑर्डर 2 इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। सेकंड रेडिकेंट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, रेडिकेंट 256 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। थर्ड 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने पे आपको मिलेगा 16 × 16, यानी कि 16 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट वो क्या आपका 256 है। तो 256 क्या है, 16 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकला स्टूडेंट 256, इसीलिए रूट 256 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 256 इज नॉट अ सर्ड्स। थर्ड कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप चाहिए तो इसका फैक्टर निकल के चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, क्यूब रूट ऑफ 64, पहला कंडीशन, ठीक है, द ऑर्डर 3 इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, रेडिकेंट 64 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। थर्ड क्यूब रूट ऑफ 64, कौन से नंबर का क्यूब 64 आता है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं फोर्थ का क्यूब, किसका फोर्थ का क्यूब आपको वैल्यू देगा 64, करेक्ट। तो 64 क्या आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, करेक्ट, परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसका फोर्थ का क्यूब है, फोर्थ का क्यूब 64, इसलिए रैशनल इरेशनल नंबर नहीं है। अब क्योंकि इरेशनल नंबर नहीं, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और ये क्या हो गया आपका, ये इरेशनल नंबर हो गया, देयरफॉर
क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड, सॉरी ये क्या हो गया, नॉट अ सर्ड, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट अ सर्ड। तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती तो ये सर्ड्स कहलाता। ओके नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, 22/7। ओके पहला ऑर्डर कितना है, कुछ भी नहीं दिया, यानी कि ऑर्डर आपका 2 है, तो ऑर्डर 2 इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। सेकेंड कंडीशन, रेडिकेंट 22/7 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। थर्ड कंडीशन, ठीक है, वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट 7 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 22 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो ये क्या होता, रैशनल नंबर होता, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होने पे रूट 22/7 क्या हो गया आपका, सर्ड्स हो गया, क्या हो गया, ये सर्ड्स। ओके नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट रूट टू, स्टूडेंट रूट टू को आप कुछ अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 raised to 1/2, ठीक है, तो जो भी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 है तो वो हो जाएगा आपका 1/2। क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 raised to 1/3 हो जाएगा, करेक्ट। फोर्थ रूट ऑफ 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 raised to 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एन रेस टू ए है, ठीक है, एन रूट ए है तो ये क्या हो जाएगा, a raised to 1/n। ओके स्टूडेंट, तो आप रूट को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, चैप्टर से कोई खास लेना देना नहीं है, बट आपको याद पता होना चाहिए कि आप रूट के नंबर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके रूट 9, व्हाट इज रूट 9, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, करेक्ट ना, रूट 9 इज 3 into 3, रूट 3 into 3, तो रूट 9 इज इक्वल टू 3। ओके इसको हम बाजू वाले नंबर से भी सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, बरोबर ना, रूट 9 क्या हो गया, इज इक्वल टू 3। ओके नाउ रूट 9 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 9 raised to 1/2, कुछ भी नहीं, मतलब ऑर्डर कितना आपका 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 raised to 1/2, करेक्ट। ओके अब आप देखो, और 9 क्या आपका, 9 3 का स्क्वायर है, करेक्ट ना, तो 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर रेस टू 1/2, 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल, अल्टीमेटली आपको फाइनल से क्या मिला, 3। तो रूट 9 को आप दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं जहाँ पे आपको वैल्यू 3 मिला, और इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट सम, रूट 25, अगेन रूट 25 को कैसे लिखते हैं, रूट 5 into 5, करेक्ट। तो रूट 25 कितना हो गया आपका, 5, ये आपका एक प्रेजेंटेशन। ओके ऑर्डर 2 है तो 2 का पैर बना के हमने उसको एक बाहर लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, रूट 25 को प्रेजेंट करना है तो आप 25 raised to 1/2 भी लिख सकते हो। एंड व्हाट इज 25, 25 कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर है, तो 25 को आप लिख सकते हो 5 the whole square raised to 1/2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट, अल्टीमेटली फाइनल आंसर वुड बी 5, ठीक है। दोनों तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों जो नंबर थे वो आपके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ दूसरे नंबर्स, रूट 8 जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका हम कैसे निकाल के देखते हैं। रूट 8 सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के देखेंगे क्या होगा, 2 into 2 into 2, रूट 8 को हम 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। अब क्योंकि ऑर्डर 2 है स्टूडेंट, 2 नंबर्स का हम ग्रुपिंग करेंगे, 2 नंबर्स का ग्रुपिंग करके उसको हम बाहर ले आएंगे, रूट से बाहर लेके आएंगे और सिंगल वन टाइम लिखेंगे, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब बचा क्या आपका, अंदर रूट 2, करेक्ट, ये एक आपका प्रेजेंटेशन का तरीका। दूसरी तरीके से हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 raised to 1/2, 8 raised to 1/2, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे, व्हाट इज 8, 8 इज नथिंग बट 2 square into 2, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रूट 8 क्या है, 2 square, ये दो नंबर 2 square into 2, करेक्ट, तो 8 हो गया 2 square into 2 raised to 1/2। तो स्टूडेंट अब ये जो पावर है 1/2, ये क्या होगा, दोनों को भी लगेगा, इस पहले टर्म को भी लगेगा और दूसरे नंबर को भी लगेगा, ठीक है, दोनों को 1/2 एड ऑन होगा, तो ये 2 raised to 2 into 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to 1/2, तो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 2, करेक्ट। अब स्टूडेंट 2 raised to 1/2, 2 raised to 1/2 क्या लिख सकते हो, रूट 2 लिख सकते हो, तो हम इसे रूट 2 नोट कर देंगे। अब आप देख सकते हो जो रूट 8 है उसको मैंने दो तरीके से सिंप्लीफाई किया, एक ये भी तरीका और एक ये भी तरीका है, ठीक है।
बट जितने भी सम स्टूडेंट मैं इसी तरीके से सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए ठीक है किस तरीके से हम लोग क्या रूट के वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ओके नाउ मूविंग ऑन टू सम कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स। दो शर्ट्स को स्टूडेंट कंपेयर करना है, दो शर्ट्स को कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी वैल्यू रूट के अंदर होनी चाहिए। अब पहले वाले सम में तो एकदम स्ट्रेट इजी सम दिया हुआ है, सेकंड सम हमने लिया हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.3 का सेकंड सम। पहला जो है रूट के अंदर वैल्यू 247, दूसरा जो है वो 274। तो क्योंकि 274 क्योंकि 247 सॉरी क्योंकि 247 इज स्मॉलर देन 274, तो आप बोल सकते हो रूट 247 इज स्मॉलर देन रूट 274। ओके तो कंपेरिजन हो गया हमारा पहला सम का सेकेंड सम। अब देखो 7√2 और 5√3। स्टूडेंट अभी यहाँ पे क्या है कंपैरिजन डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि पूरा वैल्यू रूट के अंदर है तो समझ में आता है कंपेयर कर सकते हैं, कुछ नंबर बाहर है कुछ नंबर अंदर है तो कंपैरिजन हो जाता है डिफिकल्ट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसे केस में रूट के बाहर वाला जो नंबर है उसे हम अंदर लेके जाएंगे। याद रखना आपको जब भी बाहर वाला नंबर जब अंदर जाएगा तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है जैसे कि देखते हैं यहाँ पे 7√2, तो सबसे पहले हमें बाहर के नंबर को अंदर ले जाना है, और मैंने आपको कहा बाहर का नंबर जब रूट के अंदर जाएगा तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 2। करेक्ट। अब क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 2 विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 98। ओके जिस तरीके से आपने 7√2 को ठीक है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, उसी तरीके से 5√3 को भी आपको सॉल्व करना है। कंपेयर करने के लिए सारी वैल्यूज रूट के अंदर होनी चाहिए, बाहर आपको कुछ नहीं चाहिए स्टूडेंट। ठीक है 5√3, तो 5 जब बाहर है वो अब अंदर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5√2 × 3। जब बाहर की वैल्यू रूट के अंदर आएगी तो वो स्क्वायर हो जाती है। ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ 5√2 × 3, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 × 3 विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब आप कंपेयर कर सकते हो स्टूडेंट, कंपेरिजन रेडी आपका 98 और 75, कौन सा नंबर बड़ा है? 98 बड़ा है। करेक्ट, अकॉर्डिंगली 98 इज ग्रेटर देन 75, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 98 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 75। ओके अब हम फाइनल आंसर कंपेयर करें, 98 को आप 7√2 लिख सकते हो, तो 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3। स्टूडेंट इस तरीके से आपको कंपेरिजन करना है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम 2√7 और √28। ओके तो सबसे पहला √28, तो ऑलरेडी रूट के अंदर सारी वैल्यूज, 2√7 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है 2√7 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2² × 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2² × 7, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 7 विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब स्टूडेंट 2√7 को सॉल्व करने पे आपको मिला √28, और दूसरा वैल्यू भी √28 है, दोनों भी इक्वल है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो √28 इज इक्वल टू √28। ओके नेक्स्ट सम देयरफॉर सॉरी कंपैरिजन बाकी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन से कंपेयर करना है, देयरफॉर 2√7 इज इक्वल टू √28। ओके नेक्स्ट 5√5 और 7√2, अब दोनों नंबर्स को आपको अंदर ले आना है। पहला 5√5 को सॉल्व करते हैं, 5√5 बाहर का जो नंबर है 5 रूट के अंदर आने पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5² × 5, करेक्ट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 × 5 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 125। उसी तरीके से हम 7√2 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, 7 जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर, रूट के अंदर आने पे द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7² × 2 विच इज इक्वल टू 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 × 2 विच विल गिव यू √98। अब आप कंपेयर कर सकते हो दो शर्ट्स को, करेक्ट, तो क्योंकि 125 इज ग्रेटर देन 98, 125 इज ग्रेटर देन 98, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 125 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 98। देयरफॉर अभी आप ओरिजिनल क्वेश्चन से कंपेयर करोगे, देयरफॉर √125 की जगह पे आप लिख सकते हो 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2, √98 की जगह पे 7√2 लिख सकते हो आप। ठीक है ये आपका फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट 4√42 और 9√2, तो सबसे पहला जो पावर सॉरी सबसे पहला 4√42 लिखते हैं, 4 जो बाहर नंबर है वो जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4² × 42
which is nothing but square root of 16 into 42, which is square root of 672. Next number is 9 root 2. तो 9 बाहर से जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर इंटू 2 विच इज नथिंग बट 81. स्क्वायर रूट ऑफ 81 इंटू 2 विच विल गिव यू रूट 162. अब आप कंपेयर कर सकते हो, 672 इज ग्रेटर देन 162. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 672 इज ग्रेटर देन 162. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ फोर रूट 42 is greater than 9 root 2. Okay, ये आपका final answer. Next, 5 root 3 comma 9, इनको compare करना है student, ठीक है. तो 5 root 3 को हम root के अंदर ले जाते हैं, तो 5 number बाहर है, वो root के अंदर आने पे क्या हो जाएगा, square, ठीक है. तो square root of 5 square into 3 which will give you 25 into 3, तो आपका फाइनल आंसर होगा रूट 75. कितना, रूट 75. अब 9 स्टूडेंट, 9 आपका क्या है, आपका रूट नहीं है, आपका ये डेसिमल नंबर, करेक्ट. इसको अगर आपको रूट के अंदर ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर बाहर रहेगा वो रूट के अंदर आने पे क्या होता है, स्क्वायर होता है, जैसे मैंने आपको कहा. तो 9 भी बाहर है तो इसको जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे, रूट भले नहीं है बट इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट 81. अब क्योंकि स्टूडेंट 75 इज स्मॉलर देन 81, 75 इज स्मॉलर देन 81, देयरफॉर रूट 75 इज स्मॉलर देन रूट 81, देयरफॉर 5 रूट 3 इज स्मॉलर देन 9. ओके, ये आपका फाइनल आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, 7, 2 root 5, ठीक है. 7 अभी ये सिंपली नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, कोई भी नंबर बाहर है उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो तो उसको आप क्या करते हो, द होल स्क्वायर, ठीक है. तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, ठीक है. कोई भी नंबर बाहर है उसको रूट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 49, करेक्ट. और 2 रूट 5 दूसरा नंबर, तो 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 which is nothing but square root of 4 into 5 which will give you root 20. अब हम compare कर सकते हैं, 49 is greater than 20, 49 is greater than 20, therefore root 49 is greater than root 20, therefore 7 is greater than 2 root 5. Okay, now next simplify the given search. Search को simplify करना student. सिंप्लीफाई करना यानी कि फैक्टर्स निकालना. क्या निकालना, फैक्टर्स निकालना. उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जितना हो सके आपको रूट के अंदर एक इरेशनल नंबर ही लिखना है, ठीक है. उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन. खाली इरेशनल नंबर हो सकता है, फैक्टर निकालेंगे जितना हो सके आप नंबर्स को बाहर ले जाओगे. तो सबसे पहले 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर निकालेंगे, 3, 9 जा 27, 3, 3 जा 9, 3, 1 जा 3, करेक्ट. तो 27 को आप लिख सकते हो, फैक्टर निकालने के बाद में आपने देखा 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 3 into 3. अब क्योंकि ऑर्डर 2 है स्टूडेंट, 2 नंबर्स का हम ग्रुपिंग करेंगे और उसे हम रूट के बाहर ले जाएंगे, 2 नंबर्स का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है. 3 into 3 ये बाहर आ जाएगा और बन जाएगा ये आपका 3, ठीक है. क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है. तो ये हो गया आपका 3. और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर क्या बचा स्टूडेंट, सिर्फ 3. तो रूट 3 अलग से लिख देंगे, तो रूट 27 इज नथिंग बट 3 root 3. इस तरीके से आपको सम को सिंप्लीफाई करना है, फैक्टर निकालना है, ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग ऑफ 2 जो नंबर ग्रुपिंग होगा उसे बाहर ले आना है, सिंगल टाइम लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो वैल्यू आपको एज इट इज नोट डाउन कर देना है, ठीक है. नेक्स्ट रूट 50, अगेन सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2, 25 जा 5, 5 जा 5, 1 जा, ठीक है. 50 को, रूट 50 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 into 5, root 2 into 5 into 5. अभी यहाँ पे ऑर्डर करना है, ग्रुपिंग करना है, तो किसका ग्रुपिंग होगा, लाइक टर्म्स का ग्रुपिंग. 5 5 आपका एक जैसे टर्म है तो 5 5 का ग्रुपिंग कर देंगे, 5 स्क्वायर, या फिर हम इस किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, द होल रूट 2 into 5 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, द होल रूट 2 into 5 स्क्वायर, ठीक है. और 5 स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 5 into root 2, ठीक है. नेक्स्ट रूट 250, तो 250 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 जा 125, 5 जा 25,
ठीक है, 5 25 जा 125, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ओके। तो रूट 250 को आप लिख सकते हैं द होल रूट 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। अब दो नंबर का ग्रुपिंग करेंगे क्योंकि ऑर्डर 2 है, टू नंबर्स का ग्रुपिंग होगा यहाँ पे, जो कि होगा 5 और 5, एक जैसे नंबर्स का ग्रुपिंग करेंगे, जो कि आपका 5 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया 5 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 5 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा स्टूडेंट, रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा आपका 10, क्या बचा 10, 5 टू जा 10, करेक्ट। तो आपका फाइनल आंसर होगा 5√10, क्या होगा 5√10, ओके। नेक्स्ट रूट 112, इसका भी हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहला 2 56 जा 112, 2 28 जा 56, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, करेक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 112 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है, 4 × 2 × 7। अब हम क्योंकि ऑर्डर 2 है, टू नंबर्स का ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहला ये दो नंबर का स्क्वायरिंग होगा, ये गया 2 स्क्वायर और रूट, 2 स्क्वायर का रूट 2 हो गया, फिर ये दो नंबर 2 स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 2 हो गया, अब बचा आपका रूट के अंदर खाली 7, ठीक है। तो 2 × 2 × √7, तो रूट 112 इज नथिंग बट 4√7, कितना होगा आपका ये 4√7। नेक्स्ट नंबर इज रूट 168, कितना आपका रूट 168, तो 168 का फैक्टर निकालेंगे, 2 84 जा 2 42 जा 2 21 जा 2 सॉरी 3 2 के टेबल में नहीं आएगा 21 3 7 जा 21 7 1 जा 7, ओके। तो रूट 168 को आप लिख सकते हो द होल रूट 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब क्योंकि ऑर्डर 2 है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑर्डर कितना आपका 2, टू नंबर्स का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 का ग्रुपिंग हो जाएगा एक, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और रूट कट होके क्या बचेगा 2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2 × 3 × 7, मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2√, ठीक है। एक भी नंबर का ग्रुपिंग नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे नंबर अलग है, तो ये हो गया आपका √42, ठीक है, 2√42। ओके, नेक्स्ट सम 3/4√8, ठीक है। 3/4 को हेजिटेज रखेंगे, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करना है, रूट के अंदर वैल्यू वैल्यूज को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, रूट 8 का फैक्टर्स निकालने पे आपको मिलेगा 2 × 2 × 2। अब ऑर्डर 2 है तो टू नंबर्स का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो 3/4 टू नंबर्स का ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 2 स्क्वायर × 2, बराबर 2 × 2 ही क्या है आपका 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर × 2, स्क्वायर रूट कट हो गया, क्या बन जाएगा ये आपका 2, और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा आपका √2, ठीक है। तो अभी हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर 2 है, 2 1 जा और 2 2 जा, तो फाइनल आंसर होगा आपका स्टूडेंट 3/4√8 इज इक्वल टू 3/2√2, ओके। नेक्स्ट −5/9√45, तो −5/9 हैज इट इज, √45 का हम फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने पे आपको मिलेगा 3 15 जा 3 5 जा 3 5 1 जा, ठीक है। तो √45 क्या आपका 3 × 3 × 5, ओके। क्योंकि अभी ऑर्डर आपका 2 है, 2 नंबर्स का ग्रुपिंग होगा, तो −5/9 इज इक्वल टू 3² × 5, बराबर द होल रूट के अंदर 3² × 5, स्क्वायर रूट कट हो जाएगी और क्या बचेगा आपका 3 × 3 और रूट के अंदर 5, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे आपका −5/9√45 इज इक्वल टू −5/3√5, ओके। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट ये थर्ड पार्ट भी हमारा था यहाँ पे कंप्लीट, अगले पार्ट में हम नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है।